अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? मेरा नाम उदमान है। बहुत बहुत मुबारक पूरी कौम को। पाकिस्तान माशाल्लाह आज जीत गया है। बहुत बड़ी गेम थी, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी दी है। एक रिकॉर्ड कायम हो चुका है, हिस्ट्री बन चुकी है कि पाकिस्तान फाइनली इंडिया से वर्ल्ड कप में जीत चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त गेम था। ऐसे ही मतलब कोई जीत नहीं थी कि बहुत ऊपर नीचे हो, पूरा वन साइडेड गेम था। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त खेला, स्पेशली बॉलर्स और बैट्समैन ने जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेशर को हैंडल किया। मैंने पहले ही बोल दिया था मैच शुरू होने से पहले कि कुछ चंद ऐसे प्लेयर हैं जिनमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जडेजा है और वो एक और बैट्समैन आते हैं, मैं उनका नाम भूल गया हूँ। मैंने इन चार बैट्समैनों का नाम लिया था, तो इनको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पहले ही बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर दिया था। वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा जो बैट्समैन का मैंने नाम लिया था। कभी कभार ऐसा होता है इंसान खुशी में जो है ना वो बोलना ही भूल जाता है जो बोलना चाहता है, नाम वगैरह सब भूल गए, इतनी खुशी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने सबसे ज़बरदस्त जो मैं कहता हूँ टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि शुरुआत में जो दो विकेट्स गिर गईं, शाहिनशाह अफरीदी ने नई बॉल को जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्विंग किया। सीमर है और ऐसी कंडीशंस में बॉल स्विंग करना एक बहुत बड़ी महारत होती है। तो शाहिनशाह अफरीदी ने जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉल को मूव किया और शुरू में ही जो है वो रोहित शर्मा और जो उनके केएल राहुल थे उनको आउट कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो है उसके बाद ये थी कि बाकी बॉलर्स ने हसन अली के अलावा रन नहीं खाए। हसन अली ने भी अच्छी बॉलिंग कर दी, मैं मतलब बहुत ज़्यादा बुरी नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने रन खाए। बाकी हारिस रऊफ ने जो है वो उनके पास पेस थी और उन्होंने इस दफ़ा वेरिएशंस मतलब बहुत की, मतलब एक फास्ट बॉल डाली, उसके बाद स्लो लेंथ लाइन और लेंथ उनकी ज़बरदस्त रही और उसके अलावा स्पिनर्स ने हमारा साथ दिया। तो मैं समझूंगा कि एक टीम वर्क है, लेकिन शाहिनशाह अफरीदी की बॉलिंग आउटस्टैंडिंग रही। मोहम्मद आमिर की जो है उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी। इस तरीके से अगर आप बात करें उनके बॉलर्स की तो देखें, मैंने आपको पहले कहा था कि बुमराह से हमें बच के रहना है और भुवनेश्वर कुमार है उससे बच के रहना है, मोहम्मद शामी से बच के रहना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बाबर आजम और रिजवान ने ऐसा ज़बरदस्त जो है वो खेल खेला, ऐसी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली कि बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त स्मार्ट क्रिकेट। एक चौका, सिंगल, डबल, रन चलाते गए, छक्का लगा दिया, तो मतलब कोई एक नर्वसनेस नज़र नहीं आया, एक प्रेशर नज़र नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। एट द एंड ऑफ द डे मैंने आपको यही कहा है कि इंडिया हो पाकिस्तान हो, जो अच्छा खेलता है वो ही जीतता है। तो आप सब लोगों को मुबारक हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच के लिए मैं दोबारा हाजिर हूँगा। मैं इस दफ़ा जो है वर्ल्ड कप में आपको नजर आता रहूँगा पाकिस्तान की शर्ट पहन के, क्योंकि पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान पे प्राउड तो है ही, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इस तरीके की वीडियोस देखते रहेंगे आप। मुझे अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक वंस अगेन पूरी की पूरी नेशन को, पूरी की पूरी कौम को पाकिस्तानी। इंशाल्लाह ताला अगर हमारे नसीब में रही तो हम ट्रॉफी ज़रूर पाकिस्तान लेके जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, हम तो मानकर इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।